बटला हाउस में आतंकियों के एनकाउंटर पर क्या राजनीति जायज है? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ लेकर। तो आज इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान होंगे, पहले इस पर एक नजर डालिए। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, रिटायर्ड जस्टिस आर एस सोढ़ी पूर्व जज हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। कर्नेल सिंह दिल्ली पुलिस के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, और साथ ही डॉक्टर तस्लीम रहमानी अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो चलिए बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। हम भारत के लोग शुरू करते हैं संविधान की शपथ। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की कोई चीज देख के कोई एहसास होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पार्टी की तरफ से हमने कोई अपना राय जताई। नहीं, कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा ना। कोर्ट का जजमेंट कौन नहीं मानता, बोलिए आप। ममता जी, आपका क्या कहना है कि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी? 12 साल 13 साल के बाद इसको उठाना मतलब बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। साल 2008 दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में हुए इनकाउंटर पर आज करीब 13 साल बाद सियासत एक बार फिर से गर्म, वो भी ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने। कल यानी सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बटला हाउस इनकाउंटर मामले में अपना फैसला सुना दिया, और आज बीजेपी ने कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी और उन तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं से सवाल पूछे जिन्होंने तब 13 साल पहले बटला हाउस इनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। बटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आर एस खान को दोषी करार दिया है। बटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। आर एस खान बटला हाउस एनकाउंटर के वक्त फरार हो गया था, उसे 2018 में नेपाल से पकड़ा गया था। दिल्ली की कोर्ट अब 15 मार्च को आर एस खान की सजा का ऐलान करेगी। इसी मामले में 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। दरअसल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नेताओं का नाम ले लेकर सवाल इसलिए पूछे क्योंकि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद इन्हीं नेताओं के बयान सुर्खियों में आए। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। तो कहा था कि फर्जी वोट मेरे। जी हाँ, मैंने उस पर अभी आज भी कायम हूँ कि जिस जो हालात मेरे को बताए गए थे उसका उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जी हाँ उस पर भी मैं आज भी कायम हूँ, पीछे नहीं हटा। बटला हाउस एनकाउंटर पर नेताओं के इन्हीं पुराने बयानों को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमलावर तेवर दिखाए। बंगाल के चुनाव के मौसम में ऐसे तीखे हमलों के बीच फौरन कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, कहा कि जो बयान उनके नेताओं ने तब दिए थे वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। किसी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की कोई चीज देख के कोई एहसास होते हैं तो वो अलग मामला होते हैं। हमारे पार्टी कभी कहा है कि हम आतंकवादियों को मदद करने के लिए खड़ा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ इसके ऊपर विश्वास करो या ना करो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि गोगोई साहब कहते हैं कि कोई भी जस्टिस सिस्टम में, कोई भी न्यायालय में जजमेंट नहीं मिलता, सच नहीं पाया गया था और न्याय नहीं मिलता। रविशंकर प्रसाद एक फेक न्यूज बांटने वाला है, ये फेक बात है। 12 साल 13 साल के बाद इसको उठाना मतलब बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, पुराने सब बातें उठा रहे हैं। तो आज संविधान की शपथ हम सवाल पूछ रहे हैं कि बटला हाउस में आतंकियों के इनकाउंटर पर राजनीति जायज है। इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल भी लॉन्च किया है, आप वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में इस पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे।
और अब दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मेरा पहला सवाल सुधांशु जी आपसे है, सर 13 साल बाद फैसला आता है, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है या कुछ और था इसका मकसद? देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी आतंकवादी को सजा होती है तो इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट दो तरीके के कैसे हो सकते हैं? ये इस देश की बड़ी विचित्र सी राजनीति है। किसी देश में आपने सुना है कि आतंकवाद के समर्थकों के साथ भी किसी का पॉलिटिकल पॉइंट जुड़ा हुआ हो? ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और पॉलिटिकल पॉइंट तो उन लोगों ने स्कोर करने की बात कही थी जिनकी आंखों में आंसू आते थे। उनके लिए शहीद मोहनचंद शर्मा की मृत्यु पर आंखों में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों पर आंसू आए। और देखिए समस्या क्या है कि कांग्रेस नेताओं का इंटेलिजेंस का ज्ञान गजब है, और आतंकवाद को लेकर उनकी बड़ी कंसिस्टेंट नीति है, चाहे हमारी सरकार हो या उनकी खुद की सरकार हो। इन्हीं मोहनचंद शर्मा को अशोक चक्र देती है कांग्रेस की सरकार, ठीक है, और इनकाउंटर को फेक कहते हैं कांग्रेस के नेता, गजब का तर्क है। मैं जवाब लेती हूं सर, इतना ही नहीं, 26/11 हाफिज सईद ने करवाया, ये कहती है यूपीए की सरकार, और 26/11 आरएसएस ने कराया कहते कांग्रेस के नेता। ऐसा खेल क्यों करते हैं आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? अपनी सरकार को गलत सिद्ध करते हैं, ठीक है, आपके नेता झूठ बोलते हैं, दो में से एक बातें बताइए। सुप्रिया जी आइए, इनकाउंटर पर क्या वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी सर, की जा रही थी क्या मैम? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा दुख होता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद है, उनको करना पड़ रहा है जो वो कर रहे हैं, एक तरह का पाप वो कर रहे हैं। और इस देश का लॉ मिनिस्टर जब देश को एड्रेस करते हैं तो उनको सच बोलना चाहिए, और ये सत्य है कि उस टाइम पर गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने बिना किसी लब्बो लबाब के सीधे शब्दों में कहा था ये एक एनकाउंटर है, आतंकी मामला था, उन्होंने इसकी नो इंक्वायरी कराई थी। और ये भी सच है कि मोहनचंद शर्मा को हम ही लोगों ने अशोक चक्र दिया। एक बात ये भी सच है कि इस मामले में दो आरोपी थे, और एक आरोपी को 2013 में आजीवन कारावास की सजा हुई, और अब 2018 में वो पकड़ा गया था दूसरा आरोपी और उसको सजा हो रही है। तो इसमें आतंकवाद के मामले में पॉलिटिक्स क्यों करी जा रही है, ये मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। और इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे पेट्रोल डीजल 2-3 से सदन नहीं चल रहा है, मुद्दा होना चाहिए कि कैसे भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है असम और वेस्ट बंगाल में, और शायद इसीलिए उन्हें शिवेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा और मुकुल रॉय और सोमेन बैनर्जी के बाद अब जो ब्रांड एम्बेसडर थे मिथुन चक्रवर्ती जिनके यहाँ 1.25 करोड़ रुपया आता था उनको भी अपनी पार्टी में लेना पड़ा। मुझे तो सिर्फ भाजपा एक बात का जवाब दे दे कि ध्रुव सेना पाकिस्तान की मदद कर एक टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, उसकी खबर नहीं थी। जुबैन शेख के बारे में नहीं पता था जिनको इन्होंने अपना युवा वाहिनी का चीफ बनाया हुआ था मुंबई में। फैजुल्ला जो कि घोषित आतंकवादी था उसने तो जाकर ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान पे, उसको टिकट देकर चुनाव लड़वाया, उसने तो 10 साल सजा काटी थी। तो आतंकवाद का सगा कौन है? मसूर अजहर को जिसने रिलीज किया, मसर्रत आलम को जिसने रिलीज किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वो आज आतंकवाद को पोलिटिसाइज करेंगे? मैं जवाब लेती हूं, देंगे मैं जवाब। देश में आतंकवाद के खिलाफ हमने अपने लोगों को शहीद होते हुए देखा है, हमने देखा है कैसे चुथड़े उड़े थे राजीव गांधी के और किस निर्मम हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की। तो हमें आतंकवाद पर पाठ और तो सुधांशु जी प्लीज आइए। क्या बीजेपी आतंकवाद पर राजनीति कर रही है, ये आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनेत, आपने सुना, प्लीज आइए। देखिए किसके नीचे जमीन खिसक रही है और कौन घिनौना पाप कर रहा है, दोनों का उत्तर देता हूं। जो पश्चिम बंगाल में जाकर लेफ्ट के शरण में और फिर आईएसएफ के पीरजादा के शरण में जाके गिर गए, और असम में AIUDF के बदरुद्दीन अजमल के शरणों में गिरे हुए, केरल में मुस्लिम लीग के चरणों में गिरे हुए, वो कर रहे हैं सेकुलर राजनीति और उनके पैरों के नीचे जमीन मजबूत है। वाह, सबको देश को समझ में आ रहा है। और जहां तक आपने घिनौना और पाप कहा, तो भारत की पुलिस का जवान जिसके लिए शहीद हुआ, उन आरोपियों के पक्ष में आंसू बहाना पाप नहीं था तो क्या था? अगर है तो हिम्मत करके कहिए कि सोनिया जी ने पाप किया, और इकलौता नहीं है। मैं आगे और बोल रहा हूं, आपकी सरकार कहती थी, बिल्कुल मैं आपकी सरकार की बात कि इशरत जहां आतंकवादी, आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था, और आपके नेता कहते थे कि वो इशरत जहां बिहार की बेटी, ये क्या था? ये राजनीति नहीं थी तो और क्या था?
और अगर ये सच है तो बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के घर पे दिग्विजय सिंह क्यों गए थे आजमगढ़ में और जाके क्यों कहा था फेक इनकाउंटर है। और समझौता एक्सप्रेस के ऊपर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान का काम है, अचानक यू टर्न ले लेते हैं, क्यों हो रही थी राजनीति हम ये जानना चाहते हैं। ये बताइए, अफजल गुरु को आपकी सरकार ने फांसी दी और आपके नेता कहते हैं हालात का मारा है, याकूब मेनन को आपकी सरकार में फांसी होती है और आपके नेता कहते हैं जुडिशियल करेंगे। यह राजनीति है सुप्रिया जी, सरासर राजनीति है कि आपकी एजेंसी कुछ कहे और आपके नेता कुछ और कहे। ठीक है, विरोधाभास की राजनीति सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बीच। रोमाना जी, जितना मुझे याद है सलमान खुर्शीद जी ने आप ही का एक इंटरव्यू किया था आप ही के साथ, और उन्होंने पूरी तरह से कहा था जब पुलिस और सरकार की जो फोटो दिखाई गई तो मिसेस गांधी ने कहा था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो पुलिस काम कर रही है वो सही कर रही है। ये आप ही के शो पर, जहां तक मुझे याद है आप ही शायद वो पत्रकार थी। खैर, उस बात का क्यों नहीं जिक्र किया जाता मुझे नहीं पता है। मैं जरूर दो बातों का उल्लेख करूंगी। करनाल सिंह जो कि दिल्ली पुलिस के उपायुक्त थे, उन्होंने कहा था 22/2/2009 को वहां तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनकी भूर भूर प्रशंसा करी थी बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए। और एक बात और बता दूं, आज रविशंकर प्रसाद जी आकर इधर उधर की बातें करते हैं, इन रविशंकर प्रसाद जी से दो सवाल पूछ लीजिए, कोई नई एविडेंस तो नहीं लाए थे? एविडेंस तो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही जो पुलिस ने इकट्ठा करी थी वही है, उसी से प्रोसिक्यूशन हुआ है, कोई नए तक में तो ये लेकर आए नहीं है, कोई नए मोहरे तो ये लेकर आए नहीं, तो किस बात की राजनीति ये कर रहे हैं? इस बात का जवाब देना। इन्हीं एविडेंस के आधार पर पहले एक प्रोसिक्यूशन 2013 में ऑलरेडी हो चुका था, उस पर दूसरा हो रहा है। मैं फिर से सवाल पूछूंगी, मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों हटाया गया? फजुल्ला जैसे आतंकवादी को क्यों टिकट दिया गया? भाजपा ने उसको टिकट देके चुनाव लड़ाया। जुबैर शेख को कैसे, बांग्लादेशी घुसपैठिया था, कैसे इन्होंने अपनी पार्टी में पद दे दिया? और ध्रुव सक्सेना के बारे में तो इनको पता ही नहीं चला। इन बातों का जवाब तो आज देश मांगेगा, और देश इसलिए मांगेगा क्योंकि देश जानना चाहता है 100 पर पेट्रोल क्यों है, देश जानना चाहता है आप क्यों ध्रुवीकरण करने लगते हैं जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है पाकिस्तान में बम फटने लगता है बॉर्डर पे। अरे ये सारी स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है सुधांशु जी, मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दों पर वोट मांगिए और फिर देखिए आप कहां खड़े हैं। आपके एक से एक घटक दल छोड़ के चले जा रहे हैं, अभी वहां पर तमिलनाडु में छोड़ के आए, ठीक है, असम में छोड़ कर गया है। आज आज के मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर जरा सा रहते हैं। शहीद हेमंत करकरे, उनकी मौत का मजाक बना दिया जाता है, उनकी शहादत का मजाक बना दिया जाता है ये कहते हुए कि साहब ये तो श्राप से मरे हैं। सर ऐसी सियासत भी तो देश में देखते हैं ना, तब क्यों चुप्पी साध ली जाती है? रोमाना जी, जब कांग्रेस का एक नेता कहता शहीद हेमंत करकरे ने मुझसे बात की थी, क्या कहिएगा आप? ये बताइए किस कैपेसिटी में बात की थी भाई? ये शहीद हेमंत करकरे का मजाक नहीं है, अब तो वो जीवित नहीं रहे ये बताने के लिए कि दिग्विजय सिंह से वो क्यों बात कर रहे थे जबकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, वो होम मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, एक स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर उनको बता रहा है। तो सोचिए ना, 26/11 हाफिज ने कराया, अब देखिए चिल्लाने लगे, अब चिल्लाने लगी है, अब जहां उनका बंद आएगा, अरे पता है अभी तो आप जा रही थी, अभी भाग रही थी, अब चिल्लाने लगी, दो ही रह गए। अरे ये बताइए 26/11 हाफिज सईद ने कराया कि आरएसएस ने? अगर हाफिज सईद ने कराया तो दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई की आपने? और अगर आरएसएस ने कराया तो सरकार ने क्यों बोला हाफिज सईद ने? बोलो बातें। सर मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से हर एनकाउंटर, हर शहीद, हर आतंकवादी को अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से क्यों देखने लगती है? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों देखती है? सर चाहे इनकाउंटर हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे शहीद है, उसको हथियारों के साथ खड़े हैं ये वो लोग हैं, इसका कोई जवाब है? ये गोडसे के साथ खड़े हुए हैं, ये गांधी के हथियारों के साथ खड़े हैं, ये क्या बात करेंगे आतंकवाद पे? हमने खोया अपने लोगों को आतंकवाद में, हमने देखे कैसे चिथड़े उखड़ गए थे आतंकवाद में, क्या बात करते हैं ये लोग? क्या जानते हैं ये लोग शहादत के बारे में? क्या जानते हैं ये लोग त्याग के बारे में? जी अगर नहीं, अब आइए सुधांशु जी, आइए, जवाब नहीं है क्या? अगर डबल डिबेट है तो या तो जब मैं बोलूं इनका लेपल ऑफ करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोलूं तो इनका ऑफ रखिए, ये बोले तो मैं ऑफ रखूं। जी जी, अब आप आ जाइए, उन्होंने अपनी बात रख दी, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूं जी। हां मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब, गोडसे की आरती उतारने वाले बाबूलाल चौरसिया को आपने दिया, आपने और क्या बात करते, और आपने तो शहीद भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिन नाथ सान्याल, सुरसेन को आतंकवादी लिखा आपकी किताबों ने, शर्म आनी चाहिए। और जब संसद में हमने मामला उठाया तो क्या बोलते, उस जमाने में यह टर्म नहीं यूज होता था, यह कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लिखा और आपने उनको महिमा मंडित किया। शर्म आनी चाहिए आपको कि देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी लिखा। और अगर आज के जमाने की बात करें तो मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के हर मामले में कांग्रेस ही साथ में क्यों खड़ी होती है, क्यों आतंकवादियों के साथ में खड़ी होती है, क्यों सबसे बड़े आतंकवाद के आरोपियों घर पे जाके सिद्धा करते हैं, अपनी सरकार को झूठा साबित करते हैं। आपका गृह मंत्री कहता आतंकवादी है और आपके नेता जाके कहते हैं कि ये तो बेटी है। इसलिए आपकी समस्या ये है कि आपने मसर्रत आलम पिछली सरकार के निर्णय से बाहर आया। अरे झूठ मत बोलिए, 3 दिन में मसर्रत आलम वापस गया था, 72 घंटे में वापस गया था। और मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित कराया, मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित कराया। और एक और बात बता दूं, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी और राजीव जी शहीद हुए थे तो इंदिरा जी के बारे में शहादत पे जरा भी आपको फंस रहे तो जिन्होंने कहा कि इंदिरा जी को ठोक दिया उनके साथ ये नहीं होता। फिर रोमाना जी देखिए, अब ये बदतमीजी करनी है बहस में तो फिर आप मुझे मत बुलाया करिए। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आतंकवादियों के इनकाउंटर पर राजनीति जायज है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में हुए बटला हाउस इनकाउंटर पर जो नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए गए, इस वजह से इनकाउंटर विवादों में आ गया था। और अब जबकि दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को दोषी करार दे दिया, इससे साबित हो गया कि दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना कितना फिजूल था। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले पर राजनीति गर्म। देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तब भी सवाल उठाए गए थे जब 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अच्छा, फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तब भी सवाल पूछे गए। देश की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों पर जब जब राजनीति होती है तो क्या उससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर नहीं होती? यही समझने के लिए हम बात करते हैं खास मेहमान जस्टिस सोढ़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, बटला हाउस एनकाउंटर हुआ तब राजनीतिक सवाल, अब फैसला आ गया है फिर राजनीतिक बवाल, संवैधानिक नजरिए से आप बताइए कि लोकतंत्र में संस्थाओं की साख उनके हौसले के लिए इस तरीके के राजनीतिक शक शुभे जो पैदा किए जाते हैं वो कितने नुकसानदेह साबित होते हैं सर? देखिए, अगर जब भी कोई ऐसी वैसी बात की जाती है, वो फॉर रिस्पॉन्सिबल एजेंसी जब बात करती है तब इंस्टीट्यूशन को कुछ को वो शक के दायरे में आ जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को फिर हानि पहुँचाई जाती है। इसलिए जब भी कोई बात करे, बेशक ऑपोजिशन हो, जो मर्जी हो, एक्सपर्ट्स हों, जो मर्जी हों, जब तक उनके पास ठोस सबूत नहीं है, सबूत का आधार नहीं है, सिर्फ ओपिनियन के बेसिस पर आप डिस्कशंस करना शुरू करते देते हो एंड और एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हो ऑन एजेंसीज ऑन इंस्टीट्यूशंस, ये अपने आप में ही काफ़ी बेहूदी सी चीज़ है और मैं सोचता हूँ ये होना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, लोकतंत्र के एक तरीके से नींव स्तंभ आप कह सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, और अगर राजनीति अपने हित के लिए जबरदस्ती शक शुभ इन्हीं इंस्टीट्यूशंस पर पैदा करने लगे तो ये कतई लोकतंत्र और देश के हित में नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सोढ़ी साहब अपना नजरिया संविधान की शपथ में हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस चर्चा की पृष्ठभूमि में है 2008 का दिल्ली का चर्चित बटला हाउस इनकाउंटर, जिसमें कि कल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी आरिस खान को दोषी करार दे दिया है। लेकिन समझिए इस बात को कि 13 साल पहले भी इस मामले में सियासत गर्म थी और अब जबकि 13 साल बाद फैसला आया है तो एक बार फिर से सियासत गर्म है। हैरानी की बात यह भी है कि एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली तब की यूपीए सरकार, वो इनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को अशोक चक्र से नवाज रही थी, और उसी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इसी इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। इनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग तब कांग्रेस पार्टी के भीतर से उठी थी, हालांकि यूपीए सरकार ने यह मांग स्वीकार नहीं की थी। पर इस मामले में सबसे ज्यादा सवालों में अगर कोई घिरा तो वो यकीनन दिल्ली पुलिस रही।
दिल्ली पुलिस की तरफ से तब ज्वाइंट कमिश्नर रहे कर्नेल सिंह साहब लगातार दिल्ली पुलिस पर जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब दिया करते थे। इस मामले का हर अपडेट वो मीडिया के सामने रखते थे। इस वक्त कर्नेल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नेल सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ कि इस एनकाउंटर के बाद हमने देश में एक सियासी तूफान उठता हुआ देखा था, उसकी वजह से दिल्ली पुलिस किस तरीके से प्रेशर में आई थी, कितनी मुश्किल बढ़ी थी? दिल्ली पुलिस मैं नहीं कह सकता कि प्रेशर में आई थी, बट एक माहौल जरूर क्रिएट हुआ था, क्योंकि उस समय ये एनकाउंटर था सितंबर 2008 का और नवंबर ऑनवर्ड्स 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने थे एंड 2009 के शुरू में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने थे। तो कुछ लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखते हुए एनकाउंटर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इस सब का जवाब अल्टीमेटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की इंक्वायरी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि एनकाउंटर जेन्युइन है। सडनली परेशानी होती है जब आप देश के लिए काम करते हो, आपका बेस्ट इंस्पेक्टर जो था मोहनचंद शर्मा उस एनकाउंटर में शहीद हो गया टेररिस्ट को पकड़ते हुए, इसके बावजूद अगर कोई आदमी और कुछ लोग बिना किसी बेस के, बिना किसी एविडेंस के अगर सवाल उठाते हैं चीज़ों पर, तो दुख होता है उसके बारे में। तो पुलिस की जो मोराल है और पुलिस की जो साख है, आपको लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हुई उसका प्रभाव इन दोनों पर पड़ा? नहीं, हम लोगों ने उस समय काफी एविडेंसेस हमें मिले थे, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार थी सब चीज का जवाब देने के लिए। सर, जिस तरीके से आप सबूत बता रहे हैं कि सबूत थे, एविडेंसेस थे, बावजूद उसके वो जो राजनीतिक बयानबाजी हुई उसकी वजह से एक बड़ी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, तो मतलब वो कंट्रोवर्सी जबरदस्ती की क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी? क्या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस को एक राजनीतिक टूल, पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की एक नाकामयाब कोशिश हुई थी उस दौरान? पुलिस को टूल की नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस के अगेंस्ट कुछ लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स उस समय कोशिश की थी खेलने की, उनको उसमें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि एविडेंसेस काफ़ी थे। फॉर एग्जांपल, फर्जी रिपोर्ट निकाली गई, ये दिखाया गया कि मोहनचंद शर्मा को पीछे से गोली लगी है, उसके किसी साथी ने गोली मार दी है, और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते थे कि जी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मोहन को सामने से गोली लगी है और वो जो गोली लगी है वो कम से कम 1 मीटर के बियॉन्ड डिस्टेंस से गोली लगी है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से। तो बिल्कुल जो बोल रहे थे, जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी थी, वो फैक्ट्स के बियॉन्ड थे। एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है जो अगर कोई फायर करता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं फायर के वो उसमें हैंड्स में लग जाते हैं। तो जब पोस्टमार्टम हुआ उनका, तो एम्स के डॉक्टर ने उनका हैंड वॉश लिया और हैंड वॉश लेके CFSL को भेजा। CFSL ने कहा जी गन पाउडर के इसमें रेजिड्यू हैं, दैट इंडिकेट्स उन्होंने फायरिंग की थी। तो सारे जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे वो एलिगेशंस साइंटिफिकली गलत प्रूफ हुए। सर, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी कि उस दौरान जो बयानबाजी हो रही थी वो ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी के नेता थे जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उससे बिल्कुल उलट जो सरकार थी उस दौरान की, क्या वो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ थी? देखिए, इसमें जो नैरेटिव क्रिएट किया गया उससे सर्टेनली एक डाउट का माहौल क्रिएट हुआ सब तरफ, लेकिन जो सरकार ने, जो कपिल सिब्बल थे उस समय मिनिस्टर थे, उनको शायद कहा गया होगा, क्योंकि एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के थे तेजेंद्र खन्ना जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप मेरे घर आइए और आपसे कपिल सिब्बल बात करना चाहते हैं जी। तो मैंने जितने एविडेंसेस थे हमने एक लैपटॉप पे इकट्ठे कर रखे थे, तो उस लैपटॉप को लेके मैं उनके घर गया, मैं और कपिल सिब्बल जी आमने सामने बैठे, LG साहब साइड में बैठे, वो पूरे दौरान कुछ नहीं बोले। कपिल सिब्बल जी ने बहुत सारे एविडेंसी जो अखबारों में आए थे जिसको वो एविडेंस मानते थे, उनको एक एक करके मेरे से सवाल पूछे, क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने उनका जवाब दिया। उनको फिर मैंने कहा कि भाई हमारे भी एविडेंसेज देखिए आप, हमारे पास जो चीज़ें आई हैं। उनको एविडेंसेज देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात मुझे ठीक लगती है, एनकाउंटर जेन्युइन है, मैं ऊपर जाके बताऊँगा। शाम को उनका फोन भी आया और उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दिया है। उस दौरान वो जो एक बयान आया था कि साहब सोनिया गांधी ने जब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उसके बाद कपिल सिब्बल साहब से आपकी ये मुलाकात हुई थी या उससे पहले, कुछ याद है, कुछ बता पाएंगे?
नहीं, हाँ ये पहले की बात है, ये बयान जो था सलमान खुर्शीद जी का, ये बाद में आया था जब यूपी में इलेक्शंस थे तब आया था ये बयान, लेकिन ये जो मेरी मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2008 के महीने में हुई थी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात से कन्विंस हुए थे कपिल सिब्बल, और बावजूद इसके ये बयान जो सियासी बयान सलमान खुर्शीद की तरफ से बाद में दिया गया। जी, और ऐसा नहीं था कि एक ही साइड कुछ कर रही थी, काउंटर प्रेशर भी था। काउंटर प्रेशर था कि अगर आप टेररिज्म को नेशनल मुद्दा नहीं बनाएंगे तो आपको भी नुकसान होगा, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय चल रही थी, इसलिए हमारा एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्या सोच रहा था और कौन क्या कर रहा था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली पुलिस ने काम किया, आखिरकार दिल्ली पुलिस का जो पक्ष है वही सही साबित हुआ, अदालत के फैसले ने इस पर भी मोहर लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह जी संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सियासत अगर चाहे भी तो सच बदला नहीं करता, अदालत के फैसले से यही साफ हुआ। तो कुल मिलाकर एक बात साफ है कि बटला हाउस एनकाउंटर केस में जो सियासत हुई वो देशहित में कतई नहीं थी, वो पार्टी हित वोटों की खातिर हो रही थी, क्योंकि उस दौरान चुनावी माहौल गर्म था। और ये जो सियासत है, इस सियासत में मुसलमानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक और खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, तस्लीम रहमानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तस्लीम रहमानी साहब, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूं सर कि वो जो आरोप लगते रहे हैं खासतौर से कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति के, क्या ये बटला हाउस एनकाउंटर केस उसी तुष्टिकरण की राजनीति का क्लासिक एग्जाम्पल है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। ये आपकी जो शुरू की बात है वो सही है कि एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया, टेररिज्म को एक पॉलिटिकल इशू बना के इस देश पे रखा गया है। और इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है कि मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, ये दोनों की दोनों पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है, और पॉलिटिक्स भी नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है। इलेक्शन जीतने और हारने के लिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं और उसके लिए मोहरे तलाश करते हैं। कभी वो मोहरे मुसलमान बन की सूरत में मिल जाते हैं, कभी वो मोहरे किसी और कम्युनिटी की सूरत में, और कभी तो किसान की सूरत में भी आजकल मिलने लगे हैं। तो ये सब अगर पूरा देश इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नुक्ते नजर से चलाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश हित ये किसी सूरत में कहा नहीं जा सकता। लेकिन सर, जो आतंकवाद जैसा मुद्दा हो गया, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर वहां पर आप चुनावी राजनीति के मद्देनजर इस तरीके के बयान देते हैं कि आप पूरी एक कम्युनिटी में ये भावना पैदा करने लगते हैं कि साहब उसको विक्टिम बनाया जा रहा है, मतलब आपने ऐसी सियासत की कि आपने पूरी एक कम्युनिटी को यह संदेश दे दिया कि देखो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। देखिए, मैं तो इस पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप है, इस पूरा का पूरा सेटअप इलेक्शन ओरिएंटेड है। मैंने पहले कहा कि पॉलिटिक्स नहीं है, ये इलेक्शन है। तो ये इंतखाबी सियासत, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन बनी है कि आप कम्युनिटीज को भी लड़ा रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम्युनिटी को अपीज कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कम्युनिटी को अपीज कर रही है, एक एक की हितैषी है दूसरा, तो देश का हितैषी कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। आप बटला हाउस एनकाउंटर के संदर्भ में ये सारी बातें कर रही हैं, ये कहना कि मुसलमानों को एक बटला हाउस एनकाउंटर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि वो इसमें टारगेट हुए हैं, ये मैं इसे सही नहीं समझता। जिस चुनावी राजनीति के चक्कर में जो राजनीतिक दल हैं वो वोटर को महज एक वोट बैंक मानते हैं, इसमें मुसलमान वो इतनी आसानी से वोट बैंक की राजनीति का मोहरा क्यों बन जाता है? ये खाली मुसलमानों का सवाल नहीं है। देखिए, इस मुल्क में तमाम कम्युनिटीज वोट बैंक का मोहरा हैं। इसको आप मुसलमानों को तक अगर कन्फाइन कर देंगे तो मुझे लगेगा कि ये ब्लेम हो रहा है। आप देखिए, इस मुल्क में हिंदुओं को भी डराया जा रहा है। ये बटला हाउस एनकाउंटर केस, इस पर जिस तरीके की सियासत हुई, जिस तरीके से एजेंसीज को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जिस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी को ये एहसास दिलाया जाने लगा कि देखो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, नहीं नहीं ये तो तुम में से हो ही नहीं सकते हैं, जबकि अब साबित हो रहा है कि वो आतंकवादी थे, उनसे सहानुभूति जो जता रहे थे नेता वो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे थे। सर, इससे परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर हम लोग क्या सबक ले सकते हैं? मैं इसे अभी भी ठीक नहीं मानता। इसलिए मैं इसे ठीक नहीं मानता कि हमने टेररिज्म को बहुत स्टडी किया है, हवा में हम बात नहीं कर रहे। मैंने कहा हजारों लड़के गिरफ्तार होके
बरी हो गया। और एक इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर को झूठा इनकाउंटर जब कहा जा रहा था तो वो पूरा झूठ का नैरेटिव क्या नहीं था? ये अभी अभी आखिरी अदालत से साबित तो नहीं हुआ। एक अदालत ने ये फैसला सुना दिया है सर, और कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2013 में भी एक फैसला आ चुका है। कल साकेत कोर्ट ने आरएस खान को भी इस मामले में दोषी पाया है, और अब आप इसी पर यकीन नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं करेंगे ना, इसके साकेत कोर्ट के बाद हाई कोर्ट सर। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में उन मुस्लिम नेताओं को भी छागना चाहिए सर, कि जिस तरीके से मुसलमान देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति का मोहरा बन रहा है, तो इसके लिए खुद जो मुसलमानों के सो कॉल्ड नेता हैं वो कितने जिम्मेदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल रहमानी साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। शुक्रिया। आज संविधान की शपथ में हमने सवाल पूछा, क्या आतंकियों के एनकाउंटर पर राजनीति जायज है? इस मुद्दे पर हमने जो ट्विटर का पोल किया उस पोल के आंकड़े अब आ गए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ये आंकड़े। 81% दर्शकों का मानना है नहीं। तो संविधान की शपथ में आज हमने चर्चा की, क्या आतंकवादियों के एनकाउंटर के मुद्दे पर राजनीति जायज है? ABP News आपको रखे आगे।